चैनल में स्वागत करता हूं। मैं राजन का पांडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जुलाई महीने में कौन सा पेमेंट करना है, कौन सा फॉर्म भरना है या फिर रिटर्न फाइलिंग करना है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल्स जुलाई महीने का पूरा बात करेंगे। कंप्लायंस डायरी जुलाई 2022 का बात करेंगे। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपको जैसे इजी होगा देखने में, ठीक है, विजिबल हो रहा होगा, राइट। तो पहले बात करेंगे GSTR 7 जो TDS रिटर्न अंडर GST में जो TDS रिटर्न का जो GSTR 7 का फॉर्म का जो फाइलिंग डेट क्या है, 10 जुलाई, ठीक है। ऐसे ही GSTR 8 TCS का है अंडर GST में, उसका भी ड्यू डेट है 10 जुलाई। GSTR 1 जो लोग मंथली फाइलिंग करते हैं उसका ड्यू डेट है 11 जुलाई, ठीक है। उसके बाद GSTR 1 QRMP स्कीम जो लोग क्वार्टरली बेसिस में फाइलिंग करते हैं, जो अप्रैल मई जून महीने का जो फाइलिंग करेंगे उसका ड्यू डेट है 13 जुलाई, ठीक है। GSTR 6 का 13 जुलाई है। इनकम टैक्स में जो TDS सर्टिफिकेट इशू करना है उसका लास्ट डेट 15 जुलाई है। ऐसे इनकम टैक्स में 15CC CC जो है उसका भी ड्यू डेट है 15 जुलाई, ठीक है। इनकम टैक्स में TCS का रिटर्न जो है उसका ड्यू डेट जो है 15 जुलाई है, ठीक है। PF और ESI का पेमेंट का ड्यू डेट है 15 जुलाई। ऐसे ही फॉर्म इनकम टैक्स का Form 3BB उसका भी ड्यू डेट है 15 जुलाई। Form 11 LLP का 15 जुलाई है। ऐसे ही GSTR 3B जिन लोग को मंथली बेसिस में रिटर्न लगाते हैं उन लोग के लिए GSTR 3B का 20 जुलाई है। GSTR 5 का है 20 जुलाई। GSTR 5A का ड्यू डेट है 20 जुलाई। GSTR 3B QRMP स्कीम में स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज किया गया, स्टेट 1 स्टेट 2 कैटेगरी जो किया गया है उस कैटेगरी में जो पहले कैटेगरी जी में आ रहे हैं, स्टेट 1 में जो आ रहे हैं उन लोग के लिए 22 जुलाई और सेकेंड स्टेट कैटेगरी में जो जो स्टेट आ रहे हैं उन लोगों के लिए 24 जुलाई है। जो लोग QRMP स्कीम में है, ऊपर में हम लोग बात किए थे यहाँ पे 20 तारीख, जो अदर देन QRMP स्कीम जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं उन लोग का जो GSTR 3B फाइलिंग करने का है वो स्टेट वाइज देखना है, बाकी लोगों का 22 कौन सा स्टेट आता है और कोई कुछ कुछ स्टेट 24 तारीख को आता है, ठीक है। जो लोग नॉर्मल है मंथली रिटर्न फाइलिंग करते हैं QRMP स्कीम में नहीं, उन लोगों के लिए GSTR 3B का फाइलिंग डेट है 20 जुलाई, ठीक है। GSTR 4 का ड्यू डेट है 28 जुलाई। इनकम टैक्स में TDS चालान कम स्टेटमेंट का उसका 30 जुलाई है। इनकम टैक्स में TCS सर्टिफिकेट, यहाँ पे गया था TDS सर्टिफिकेट 15 जुलाई था, यहाँ पे TCS सर्टिफिकेट, ठीक है। TCS सर्टिफिकेट 30 जुलाई तक आपको इशू करना है। GST CMP 08 का फॉर्म फाइलिंग करना होगा 31 जुलाई 2022। TDS रिटर्न जो क्वार्टरली बेसिस में फाइलिंग करते हैं क्वार्टर 1 का यानी अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर का, उसमें आपको फाइलिंग करना है 31 जुलाई का, ठीक है। IT रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न किन लोगों के लिए है, जिन लोगों का ऑडिट नहीं है या फिर अदर देन कंपनी नहीं है, कंपनी को छोड़ने के बाद जो पर्सन रह रहे हैं उन लोग का ऑडिट नहीं हो रहा है वो लोग फॉल करेंगे, किसमें 31 जुलाई तक उनको इनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है, ठीक है। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दे देता हूं, थोड़ा ये कर लेता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्या करेंगे इसको ऑफिस में जहां पे काम करते हैं वहां पे लगा दीजिए कि आपको रिमाइंड रहे कि आप कौन सा डेट में आपको क्या चीज करना है, जैसे ही नहीं भूल पाए, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।